पेरिस में ई स्कूटर्स को बैन कर दिया गया है, लेकिन इन छोटे छोटे स्कूटर्स की वजह से भला क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, इनसे तो पोल्यूशन भी नहीं होता है। और ये डिसीजन को एक दिन में नहीं ले लिया गया, पेरिस में इन स्कूटर्स को बैन करने की बात कई महीनों पहले से चल रही है। चलो पहले इन ई स्कूटर्स को बैन करने के रीजन के बारे में जान लेते हैं। देखो, पहला रीजन है ट्रैफिक, क्योंकि ई स्कूटर्स को यूजर्स अपने मोबाइल में एक ऐप की हेल्प से किराए पर ले सकते हैं, तो वहां के लोग इन स्कूटर्स को किराए पर लेकर कहीं पर भी छोड़कर चले जाते थे, जिससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही थी। दूसरा रीजन है ट्रैफिक रूल्स, पेरिस में जो घूमने के लिए टूरिस्ट लोग आते हैं वो इन स्कूटर्स को किराए पर लेकर कहीं पर भी ले जाते थे और ट्रैफिक रूल्स की उड़ाते थे। और तीसरा रीजन है एक्सीडेंट्स, टूरिस्ट लोग इन स्कूटर्स को ले जाकर किसी में भी भर देते थे। 2022 में इन स्कूटर्स की वजह से 459 एक्सीडेंट्स हुए। फिर वहाँ की मेयर ने इन सबसे परेशान होकर एक रेफरेंडम रखवाया, जिसमें 89% वोट्स आए इसे बैन करने के लिए। पेरिस में लगभग 15,000 स्कूटर्स होंगे, जिन्हें सितंबर 2023 तक पेरिस से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।